कोरोना वायरस। इंसान आज हर चीज से लड़ सकता है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों से और कई खतरनाक वायरस से भी। लेकिन हाल ही में एक ऐसा वायरस फैल रहा है जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये वायरस सबसे पहले चाइना में फैला था, जहां अब तक हजारों लोग मर चुके हैं। चाइना के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैल रहा है। यूं तो ये वायरस कई और तरीकों से भी फैल रहा है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा फैलने का कारण जानवरों का मांस है, क्योंकि चाइना में लगभग सभी लोग जानवरों का मांस खाते हैं, चाहे वो चमगादड़ हो, चूहे हो, या फिर बिल्ली या फिर कुत्ता हो। चाइना वाले हर तरीके के मांस को खाते हैं। लेकिन इस बार जो चाइना में जानवरों का मांस बेचा गया, वो जानवर पहले से ही कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड थे, और कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड जानवरों का मांस खरीदकर खाने से अब ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। इसीलिए वहाँ हजारों लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। साथ ही हजारों लोग इस वायरस से जूझ रहे हैं। चाइना में कोरोना वायरस से लोग इस हद तक डर चुके हैं कि वो अपने घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। और इस खतरनाक कोरोना वायरस की वजह से चाइना में मीट मार्केट और कई टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बंद कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें इस वायरस के एंटीडोट की, तो अब तक इस वायरस का वैक्सीन नहीं बनाया गया है और साइंटिस्ट भी इस वायरस से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। इसलिए इस वायरस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अब तक का सबसे खतरनाक वायरस घोषित कर दिया है। दोस्तों, तो ऐसे फैला था कोरोना वायरस। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।